लोक साहित्य मंच लुधियाना की ओर से 26 जुलाई 2009 को हिंदी उपन्यासों में लोकतंत्र और मित्रसन नीत के उपन्यास विषय पर संवाद रचाया गया। मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर मनेजर पांडे थे। चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर विनोद शाही की ओर से की गई। विमर्श को आगे बढ़ाते हुए श्री सतपाल साहगल सर, इन्होंने इस बातें कही, मैं समझता हूँ कि इसका मूल उद्देश्य ये है कि मेरी हाजिरी यहाँ पे लग जाए। जैसी हैसियत में मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे से ज़्यादा जानकार लोग और ज़्यादा ज़रूरी लोग यहाँ पे बैठे हैं बात कहने के लिए, और मुझे लगता है कि मैं उनका उनकी जगह भी ले रहा हूँ, उनका हक भी ले रहा हूँ। अपनी हाजिरी पूरी करते हुए थोड़े शब्दों में जो कुछ बातें मेरे जहन में आ रही हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने इन उपन्यासों को चखा नहीं है, सूंघा है। लेकिन एक दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये उपन्यास मेरे डिपार्टमेंट की, मेरे कक्ष की टेबल पे बहुत दिनों तक पड़ा रहा, और एक स्टूडेंट बार बार मुझे कहती रही कि ये मुझे पढ़ने के लिए दे दीजिए। और जब मैं अपने कुछ एक व्यस्तताओं की वजह से उनको नहीं पढ़ पाया, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया हुआ था, तो फिर मैंने उसको कहा कि आप ले जाओ इसको, आप पढ़ लो। मैं ये कहना चाहता हूँ मीत जी से कि मुझे इससे पहले कभी किसी छात्र ने नहीं कहा कि ये उपन्यास आपके टेबल पे पड़ा है और ये, या कोई भी इस तरह से किताब। तो मैं सोच रहा था कि क्या खास बात थी कि उसी उपन्यास पे उसकी नज़र पड़ी, उस राम राज्य जो उसका शीर्ष के रखा गया है उस पर नज़र पड़ी, या उसकी बनावट पे, या दो चार लफ्ज उसने इधर उधर देखे होंगे। तो मैं इसे महत्वपूर्ण मानता हूँ जब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों को देखता हूँ। और दूसरी बात मुझे ये महत्वपूर्ण लग रही है कि मैं पहली बार एक ऐसा सेमिनार में बैठा हूँ जो किसी पंजाबी उपन्यासकार के बारे में है और सारा का सारा हिंदी में संचालित हो रहा है। तो ये भी एक उल्लेखनीय बात है, एक मायने में शायद ऐतिहासिक भी, क्योंकि आप जानते हो कि एक समय पे पंजाब में हिंदी का एक अच्छी जगह थी। फिर बीच के साल ऐसे आए कि वो जगह संकुचित हो गई, और अब फिर से जो ये एक मौका आया है कि जब इतने सारे हिंदी के लोग बैठे हैं पंजाबी उपन्यासों के बारे में, अभी हम एक पल के लिए भूले हुए हैं कि ये पंजाबी उपन्यासों के बारे में बातचीत, ये हिंदी उपन्यास के बारे में नहीं है। लेकिन उसका श्रेय इसके अनुवादों को जाता है, उसका श्रेय इस बात को जाता है कि हिंदी क्षेत्र से इसका प्रकाशन हुआ है और तमाम हिंदी के लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर यहाँ हिंदी के इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और आप तमाम लोग भी, तो इसका कारण ये बिल्कुल कतई केवल इतना नहीं है कि ये मित्रसेन मीत के हैं, जो खुद भी मीत हैं तो आगे उनके भी मीत हैं। ये इसके पीछे एक समाजशास्त्रीय कारण भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर पांडे जी, मेघ जी और तमाम सारे लोग यहाँ बैठे हैं, राय साहब इतने दूर से चल के आए हैं, और विनोद शाही, इन बातों के अलावा और कुछ एक बातें जो मेरी समझ में आई हैं, मैं समझता हूँ कि जहाँ से पांडे जी ने बात शुरू की कि इसकी संरचना पे बात होनी चाहिए, उपन्यास की विषय वस्तु पे तमाम लोग बात कर ही रहे हैं, और राही जी जी तक पहुँचते पहुँचते ये बात आई कि इसकी संरचना कैसी है, और जो उन्होंने बहुत मार्के की बात कही, बात ये सीखने वाली है फैक्ट को एक टेक्निक के तौर पर। मुझे लगता है कि हम उपन्यास की आलोचना में हम बहुत सारे मौक़ों पे बहुत सारी बातें उपन्यास में जो फैक्ट होते हैं उसको लेके करते हैं, और हमें इस बात की फुर्सत नहीं मिलती है कि हम उसकी संरचना पे बात करें। शायद हमको लगता है कि शायद इसकी कोई कैसी संरचना में ऐसी क्या बात है, बात हो जाती थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि ना तो उपन्यासों पे ज़्यादा बात होती है और फिर उपन्यास कला पे, तो उपन्यास कला पे भी बात हो, इससे जो साहित्य की अपनी दुनिया है, जो साहित्य की संस्कृति है, वो सशक्त होती है, और उसको सशक्त करने की
आवश्यकता भी है। एक बात मैं आलोचना की संरचना के बारे में भी उसकी ओर भी आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा, और मैं उसके बारे में कोई विस्तार से तो फिलहाल कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आलोचना की भी एक संरचना है और वो संरचना बार बार उभर के आती है इस तरह के सेमिनारों में और इस सेमिनारों से बाहर भी। तो रचना और आलोचना के संबंध जो बनते हैं उसमें सिर्फ आलोचना ही रचना ही महत्वपूर्ण नहीं है, आलोचना भी महत्वपूर्ण है, उसकी बनावट भी महत्वपूर्ण है। और शायद ये बात यहाँ से जहन में आई हो कि शाही ने बात यहाँ से शुरू की कि संरचना पे बात नहीं हो रही है, लेकिन वो खुद लंबे समय तक विषय वस्तु पे ही बात करते रहे और तो वे खुद भी संरचना की ओर बहुत अंत में जाके आए। तो ऐसा सब क्यों होता है कि हम संरचना पे बात करना चाहते हैं और कोई और चीज़ हमको खींच के ले जाती है? तो इस तरह के कुछ एक पक्ष हैं जिन पे और आगे बात की जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि एक बात जो बार बार उभर के आती है इस तरह की चर्चाओं के बीच में कि एक बहुत ही भयानक और निराशावादी तस्वीर खड़ी होती है जो हमारा वर्तमान है। देखिए मैं उससे मुतमईन हूँ, मैं खुद बड़ा परेशान रहता हूँ जो, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है कि हम इन सारी बातों पे यहाँ चर्चा कर रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने ये किताबें लिखी हैं और एक पुलिस एकेडमी ने ये किताबें छापी हैं, तो आप इसको कम कर करके नहीं आंक सकते। कोई अच्छी बात भी है इस सारे माहौल के भीतर, और वो बात मैं तो ये देखता हूँ कि दिन प्रतिदिन चाहे बहुत धीमी गति से वो ताकतवर होती जाती है। और मैं अपनी बात की समाप्ति एक इस नुक्ते के साथ करूँगा कि मैं ये सोच रहा था कि मित्र सेन मीत जो ये सारी बातें लिख रहे हैं जिस सिस्टम के बारे में, जिसके कि वो गवाह है, वो सिस्टम के भीतर भी हैं, वो उसके भीतर काम करते हैं, उन्हीं अदालतों में काम करते हैं, उसी पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं, उसी सरकार के उसके तंत्र के साथ मिलकर काम करते हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि इसको और आगे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि वो कैसे उसके भीतर काम करते हैं और फिर कैसे रचना में उससे बाहर जाकर काम करते हैं और रचना पे उसका कितना अच्छा या बुरा असर पड़ता है, और खासतौर पर हमारा ध्यान अच्छे की ओर जाता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है ये काफ़ी कुछ सीखने का मौका दे सकती है। स्वयं राय साहब जो काम करते हैं वो भी इसी नज़रिए से देखा जा सकता है, वे भी उसी के भीतर काम करते हैं लेकिन फिर उससे बाहर आकर उसके अनुरूप करने की कोशिश करते हैं। तो पुरी जी जैसे जो राजनीति शास्त्री हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, उन बातों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। मेरी समझने की इच्छा है, इस बात के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुला के हाजिरी लगाने का मौका दिया। मैं इनका गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत सारे गुनाहगारों की अपने उपन्यासों में चर्चा की होगी, तो एक गुनाहगार मैं भी हूँ, पर मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे बारे में लिखे ना।